हेलो और नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग आपके लिए हिल्सा मस्टर्ड झाल इन बंगाली स्टाइल लाए हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही टेस्टी डिश है। तो दोस्तों, आपके सामने में इंग्रेडिएंट है और ये बहुत कम इंग्रेडिएंट लगता है। आपके सामने में है, स्क्रीन को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। और अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे डिड यू नो सेक्शन में। इसमें हम लोग जानेंगे हिल्सा फिश क्या है, उसका थोड़ा बैकग्राउंड हम लोग जान लेते हैं, कैसे उसको पहचानना है। जैसा कि दोस्तों, हिल्सा इज वन ऑफ द फ्यू फिश है जो कि सी एंड सॉल्ट वाटर में रहता है। ब्रीडिंग के टाइम वो फ्रेश वाटर में जाता है, मतलब ये स्वीट वाटर में भी जिंदा रह सकता है। जो रिवर में है, देखिए यहाँ पर जो सिनेरियो दिखा हुआ है, ड्यूरिंग रेनी सीजन ये इंडिया का और स्पेशली इंडिया में रिवर थोड़ा पॉल्यूटेड है, तो ये बांग्लादेश एंड बर्मा का रूट करता है। बांग्लादेश का फिश रिवर का अच्छा कंडीशन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। अच्छा, हिल्सा फिश पहचानने का चार चेक पॉइंट देखते हैं। पहला, आँख रेडिश एंड उसके ऊपर एक प्लास्टिक का कोटिंग जैसा होना चाहिए, आँख ड्राई नहीं होना चाहिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको फुलके से या उसका जो फिन्स है उससे आपको कुछ नहीं पता चलेगा अच्छा हिल्सा फिश का। सेकेंड थिंग, इसमें जो सिल्वर कलर का जो लेयर है टॉप में, ये आपको इवन कम लाइट है तो भी ग्लोइंग दिखना चाहिए। जितना जल्दी हिल्सा खराब होता है ये गायब होता रहता है। टेल के साइड में पिंकिश दिखना चाहिए। और जो लास्ट पॉइंट है, बहुत टाइम में फिश वाला आपको बोलता है चूके देखिए, तो अगर आप इसको पुश करते हैं तो ये बैक टू शेप आना चाहिए, इसका इंडेंटेशन या गड्ढा नहीं दिखना चाहिए। तो दोस्तों, हमारे सारे वीडियो में इसी तरह का इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा। अभी आगे बढ़ते हैं। हिल्सा का बहुत सारा बेनिफिट है, ओमेगा 3 फैटी एसिड, उसमें इंक्रीज्ड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करता है, अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, और इंसुलिन लेवल को मेंटेन करके हम लोगों का ब्लड शुगर भी कंट्रोल करने में हेल्प करता है। दोस्तों, अमाउंट जो है हम लोगों का इंग्रेडिएंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चिली, रेड चिली पाउडर, टर्मरिक, खुसखुस, इसके ऊपर हम लोग का अलग वीडियो जरूर देखिए। ब्लैक एंड येलो मस्टर्ड सीड एंड मेन इंग्रेडिएंट है हिल्सा फिश। ये है हम लोग का हिल्सा फिश। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि इसमें रेडिश पोर्शन है जो कि अच्छे हिल्सा फिश का क्वालिटी है, और आप इसमें ज़रूर देख सकते हैं वाइट सर्कल्स जो कि हिल्सा का अच्छा एंड गुड कोलेस्ट्रॉल का लेयर है। कुकिंग के टाइम ये जो वाइट लेयर है ये मेल्ट होने लगता है और इसमें से जो फैट का पोर्शन है वो कम होता है, इसीलिए 25 मिलीमीटर या 1 इंच का सेक्शन काटना जरूरी है, अदरवाइज जब आप कुक करेंगे हिल्सा फिश टूट सकता है। अभी हम लोग इसमें टर्मरिक, रेड चिली पाउडर और इसमें हम लोग सॉल्ट दे के इसको अच्छे से मैरिनेट करेंगे 15 से 30 मिनट तक फ्रिज में। और एक चीज़ आप जरूर जानिए, हिल्सा इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉस्टलीस्ट फिश और इसका डिमांड भी बहुत ज़्यादा रहता है। पैन को गरम करके हम लोग उसमें 2 फुल टीस्पून ऑयल ऐड कर दिया है। हिल्सा फिश में खुद का ऑयल होता है, फिर भी हम लोगों ने इसमें ऑयल ऐड किया है और उसमें हम लोग रेड चिली जो होता है ड्राई रेड चिली उसको ऐड करते हैं और ब्लैक क्यूमिन ऐड करके थोड़ा फ्राई कर लेते हैं। कोशिश कीजिए कि हिल्सा फिश को कच्ची घनी प्योर मस्टर्ड ऑयल में पकाइए और इसको हम लोग मीडियम टू हाई फ्लेम में रखेंगे। इसके बाद हिल्सा फिश हम लोग इसमें दे देंगे। पहले आप देखिए इसमें कितना ऑयल है, वीडियो में आपको दिखता है, धीरे धीरे फिश श्रिंक होता जाएगा और उसमें ऑयल का अमाउंट बढ़ेगा। 3 से 5 मिनट तक हम लोग एक एक साइड को उसमें फ्राई करेंगे और आप देख सकते हैं ऑयल का अमाउंट बढ़ गया है, बहुत ही बढ़ गया है, और फिश का साइज़ छोटा हो गया है। ये बहुत डेलिकेट है, इसीलिए इसका थिकनेस, अच्छा फिश का थिकनेस ज़्यादा होना बहुत ज़रूरी है। अभी इसमें हम लोग पॉपी सीड या खुसखुस का जो पेस्ट है एंड जो हम लोगों का इसमें सरसों का पेस्ट है उसको हम लोग ऐड करेंगे, साथ ही थोड़ा सा हल्दी और नमक हम लोग टेस्ट के अनुसार ऐड करके बहुत जेंटली उसको थोड़ा स्टेयर कर लेंगे ताकि ये जो नमक है उसमें अच्छे से मिल जाए। अभी हम लोग इसमें इसको थोड़ा ढक के 15 मिनट मैक्सिमम मीडियम टू हाई फ्लेम में पकाएंगे, और इसमें से हम लोग इसको कम फ्राई इसीलिए किए हैं ताकि जो ग्रेवी बनता है
सरसों एंड पॉपी सीड का, उसमें भी ये जो ऑयल का फ्लेवर है वो आ जाए, और इसको राइप के राइस के साथ सर्व किया जाता है। लास्ट में इसमें कोरिएंडर का जो लीव है उसको डाल के आप थोड़ा सा फ्रेश कच्ची घनी वाला मस्टर्ड ऑयल छिड़क के उसको ढक के 15 मिनट के लिए रख दीजिए एंड आपका फिश तैयार है। क्विज सेक्शन में हम लोग देखते हैं, हम लोगों का क्विज है, क्या हिल्सा आर्टिफिशियली कल्टीवेट किया जा सकता है? अगर आपको मालूम है तो कमेंट जरूर कीजिए और हम लोगों को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।